Public School. I am Rajesh and today I am teaching mathematics for class 8, exercise 5F. देखिए एक्सरसाइज 5F में दो आइडेंटिटीज दी हुई है, स्क्वायर ऑफ बायनोमियल्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इन्हीं दो आइडेंटिटीज पर बेस्ड होंगे। अब आपको अच्छे से समझना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों मैं एक ही पार्ट क्या बता रहा हूं, पी प्लस फाइव इसका स्क्वायर क्या होगा। तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले का रख दोगे, ए की जगह बी है बी का स्क्वायर, बी की जगह फाइव है तो फाइव का स्क्वायर 25 एंड देन टू ए टू इंटू बी इंटू फाइव तो ये हो जाएगा 10p। अब इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज आप करना चाहो, मीन्स अगर ही टू दिया डिग्री तो पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे p का पावर 2 है, यहाँ पे p का पावर 1 है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो आप इसे थोड़ा अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हो या फिर इसे भी आंसर लिख सकते हो। ओके एक और मैं इसमें का बता दे रहा हूं क्योंकि वो फ्रैक्शनल है। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, 7x³ प्लस 1/7y³ इसका स्क्वायर बताना है। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर, ए मीन्स 7x³, तो 7x³ का स्क्वायर कर लो प्लस बी स्क्वायर 1/7y³ का स्क्वायर कर लो प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 7x³ इंटू बी की जगह पे 1/7y³। तो ये देखिए हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, 49x³³ 4 पावर 2 है तो 3 × 2 पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x³² हो जाएगा प्लस ये 1/49 y² हो जाएगा प्लस, यहां देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड 2x³y³ प्लस 2x³y³। आप इसे भी थोड़ा अरेंज वे में लिखना चाहो, ये आंसर हो गया बट अरेंज वे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 49x³² प्लस 2x³y³ प्लस 1/9y³। ओके तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई a³ − xy³² तो ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, इसे a मान लीजिए इसे b, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस बी की जगह पे ये है xy³ तो इसका स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a³ इंटू xy³ तो ये हो जाएगा a² 6b² प्लस x² y² 6 माइनस 2a³ xy³, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के इसके पास आप खुद से करोगे। आप लोग
वीडियो ढंग से देखते नहीं हो, कम्प्लीटली वीडियो को देखा करो, क्योंकि ये केवल आपके लिए किया जाता है। मोस्टली 10-15-20 मिनट का वीडियो होता है, इससे ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर देते हो मोबाइल पे। 10-15 मिनट 20 मिनट आप अच्छे से देख लिया करो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो हमसे। आप पढ़ते ही नहीं हो ना ही पूछते हो। यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर ऑफ बायनोमियल कैलकुलेट द फॉलोइंग। आइडेंटिटी क्या यूज करके आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 102 का स्क्वायर। तो देखो 102 को हम a प्लस बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड डबल जीरो के लिए आप 0 रख दो, प्लस 2 स्क्वायर 2 2 4 प्लस 2ab 2 इंटू 100 200 एंड 200 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू, अब इन सबको जोड़ दो 0 प्लस 4 प्लस 0 4 आएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, यहाँ 0 प्लस 4 4 होगा एंड 0 1 10404 विल बी योर आंसर। चलिए इसका फाइनली एक और बता दे रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। 59 का स्क्वायर इसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर दो या फिर 60 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर लो। देखिए या 50 प्लस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड 80 के लिए 2 0 रख दोगे, प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 50 100 होगा, 100 इंटू 9 ये हो जाएगा 900। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 0 प्लस 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस 8 प्लस 0 8 आएगा, 5 प्लस 9 14 1 का 2 प्लस 1 3 इतना आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप करोगे तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 एंड 20 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2ab 2 इंटू 60 120 एंड इंटू 1 120। अब इसे कैलकुलेट कर दो क्या हो जाएगा, ये इसे ऐड कर देंगे 3601 हो जाएगा माइनस 120, 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 2 8, या 5 बचा 5 माइनस 1 4 एंड 3, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज को आप कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट में हमसे पूछिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन।